हेलो a वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू my चैनल NG Medicals. In इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द ब्लैडर कैंसर सो ब्लैडर को हम completely यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर आपका दोनों किडनी से attached होता है दोनों किडनीज आपकी यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं किडनीज के पास दो tube-like स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग यूरेटर्स बोलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो easily. दोनों ही यूरेटर्स एक तरह का कनेक्टर का, का काम करते हैं इट कनेक्ट्स द यूरिनाई ब्लैडर एंड द किडनीज जितना भी यूरिन फिल्टर होता है आपकी किडनी से वो डायरेक्टली आपके यूरिनाई ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है एंड वंस योर यूरिनाई ब्लैडर बिकम फुल सो दे आर टू स्पिंटर्स एक है आपका यूरिनाई ब्लैडर के इस वाले पोर्शन में स्पिंटर और दूसरा है आपके यूरेथ्रा के ये वाले एरिया में स्पिनटर स्पिटर्स मीन्स होते हैं कि ये एक तरह का एरिया होता है जो कि यूरिन को कब बाहर निकालना है या यूरिनई ब्लैडर को कब लूज करना है या यूरिन को कब पास आउट करना है इसका काम करते हैं स्पिनटर्स का काम क्या है कि ये क्लोज रहते हैं लाइक ये जब टाइट होते हैं तो ये क्लोज कर देते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर को और जब आपका यूरिन यहाँ पे फिल फुल हो जाता है तो ये स्पिटर्स अपने आप को लूज कर देते हैं और स्पेस बन जाता है एंड आपका यूरिन यहाँ से पास होकर के यूरिथ्र से पास होकर के यूरेथ्रल ओपनिंग से बॉडी से आउट हो जाता है इस तरह से आपका फंक्शन चलता है यूरिन ब्लैडर के पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं सबसे इनर लेयर जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है आपके यूरिन से उस लेयर को हम लोग बोलते हैं यूरोलिथियम यूरोलिथियम को सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट लेयर का नाम है लेमिना प्रोप्रिया लेयर लेमिना प्रोप्रिया के पीछे एक सपोर्टिव मस्कुलर लेयर होती है मसल लेयर जिसे हम बोलते हैं जिसके पास ब्लड सप्लाई भी होती है इसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी कि पेरी पेरिटोनियम फैट आउटर मोस्ट लेयर क्या है पेरिटोनियम फैट जिसमें पेरी मीन्स होता है आउटसाइड तो पेरिटोनियम फैट सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर्स का शेप मेंटेन करती है साथ ही साथ इसके पास ब्लड सप्लाई भी होती है तो कैंसर हो जाएगा तो सबसे 90 से 95 परसेंट यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट आपके ब्लैडर कैंसर की कौन सी है यूरोलिथियम डेट इज इनर लेयर यूरोलिथियम में 90 से 95 परसेंट कैंसर क्यों हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है आपके यूरिन से अब मान लीजिए आपके यूरिन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसने आपके यूरोलिथियम के सेल्स को डायरेक्टली म्यूटेशन कर दिया लाइक एबनॉर्मल सेल्स में चेंजेस कर दिए हैं एबनॉर्मल चेंजेस की वजह से उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो गए और वहाँ पे कैंसर डेवलप हो गया तो यूरिन तो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज आ जाते हैं तो वेस्ट मटेरियल में भी आपके यूरोलिथियम को हार्म कर सकते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर रहे होंगे या तो उसके अंदर कोई इंफेक्शन हो सकता है या तो कोई भी ऐसी चीज इंक्रीज हो सकती है जो कि आपके सेलुलर डैमेज कर सकती है तो इस तरह से 90 से 95 परसेंट आपको कैंसर यूरोम में ही मिल जाएंगे चलिए अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है कि कैंसर क्या है हम सब जानते हैं नॉर्मली अगर कैंसर को डिफाइन किया जाए तो इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स अगर किसी ऑर्गेन में है तो उस ऑर्गेन को हम बोल देंगे जैसे कि अगर ब्लैडर में है तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ब्लैडर सेल्स तो वो हो गया हमारा कैंसर मोस्ट कॉमन साइट यूरोथिलियम है जो कि इनर लेयर ऑफ द ब्लैडर है ये मैं आपको बता चुकी हूं एज का क्या सीन है एज सिक्सटी सेवेंटी या फिफ्टी से वेरिएशन है हर जगह फिफ्टी से 70 के बीच के जो लोग हैं उनको यूरिनरी कैंसर हो सकता है इसका मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपका इम्यून सिस्टम स्लो काम करने लगता है या वीक हो जाता है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी स्लो हो जाएगी आपके अंदर कोई इंफेक्शन ईजिली आपको कॉज कर जाएगा और आपको कोई भी तरह का इंफेक्शन या कैंसर हो सकता है टाइप्स दो तरह के होते हैं बिनाइन एंड मैलिग्नेंट हर कैंसर दो तरह का होता है मेनली बिनाइन एंड मैलिग्नेंट बिनाइन वो जो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं स्टे करते हैं और मेलिग्नेंट वो जो इधर उधर मेटास्टेसिस हो जाते हैं या फैल जाते हैं यूरोलिथियल कैंसर मेनली मेलेग्नेंट के अंडर में आता है सो ये मेल में ज्यादा देखने को मिलता है आपका यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जो है वो मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है उसका रीजन ये है कि मेल्स के पास यूरेथ्रा लेंदी होता है लंबा होता है एज कंपेयर टू दी फीमेल और आप सब जानते हो कि यूरेथ्रा का काम क्या है यूरिन को ले करके पास आउट कराना तो जितना लेंदी यूरेथ्रा होगा उतना ही ज्यादा यूरिन उसके वो टच करेगा और उतना ही ज्यादा यूरिन उसके अंदर स्टे कर सकता है तो मेल्स के अंदर ये कैंसर ज्यादा मिल सकता है एस कंपेयर टू द फीमेल्स कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर आपने इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया तो लास्ट और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इसका डेथ है नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन तो ब्लैडर कैंसर क्या है कोई भी ट्यूमर जो कि आपके ब्लैडर में डेवलप हो जाए उसे हम ब्लैडर कैंसर बोलते हैं ब्लैडर क्या है वो ऑर्गेन जो कि आपके यूरिन को होल्ड करने का काम करता है नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि थ्रू दी हुई है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की तरफ से तो ब्लैडर कैंसर क्या है ये स्टार्ट होता है सेल्स के अंदर कौन से सेल्स के अंदर जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं और उन्हीं सेल्स के अंदर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे ब्लैडर कैंसर सेकेंड डेफिनेशन हमारी है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट क्या मेंशन कर रहे हैं दे मेंशन के कैंसर जो है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है टिश्यूज में किसके टिश्यूज में हमारे यूरिनरी ब्लडर के टिश्यूज में जो कि मोस्ट कॉमन यानी 90 से 95 परसेंट ट्रांजेशनल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास हमारे कार्सिनोमा ही होते हैं लाइक like, आप कार्सिनोमा को ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोल सकते हो नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स तो टोटल हमारे पास मेन फाइव टाइप्स के कैंसर हैं कौन से कैंसर यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर तो चलिए डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं और आपको क्लियर भी हो जाएगा हर कैंसर का टाइप पहले मैंने पांचों टाइप को एक लाइन में मेंशन कर दिया है विथ फीचर्स एंड सीरियल नंबर तो सबसे पहले हम यूरोलिथियल कैंसर के बारे में देखेंगे क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है इसको मैंने आपको पहले अभी पिछली साइड में बताया कि इसको हम ट्रांजेशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं ये मोस्ट कॉमन है क्योंकि ये 95 फाइव परसेंट देखने को आराम से मिल जाता है कहाँ पे हो रहा है लोकेशन कहाँ पे है यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ब्लैडर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ओल्डर एज हर चीज में कॉमन है क्योंकि इम्यून सिस्टम को वीक करता है सो so मैंने आपको बताया था कि यूरोल कैंसर में भी मैलिग्नेंट वाला होता है तो यहां पर टाइप में आप मैलिग्नेंट लिख सकते हो सो so ये क्या कर रहा है वो लेयर को अफेक्ट कर रहा है उस लेयर में कैंसर कर रहा है जो लेयर आपके डायरेक्ट यूरिन से कॉन्टेक्ट में रहती है दैट इज इनर लेयर ऑफ द ब्लैडर प्रोग्रेस अगर देखी जाए प्रोग्नासिस देखी जाए तो ये ट्रीटेबल है ये ट्रीट कर करके इसको ठीक किया जा सकता है सेकेंड है स्क्वामेस सेल कार्सिनोमा स्क्वामेस सेल कार्सिनोमा मेनली लेटरल साइड में देखने को मिलता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के दोनों लेटरल साइड में स्क्वामेस सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है तो 95 परसेंट तो आपका ट्रेडिशनल सेल कार्सिनोमा यानी कि यूरोलिथिल कार्सिनोमा है ओनली फाइव परसेंट आपका स्कौमें 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 देखने को मिल सकता है सो so, ये लेस कॉमन है और एज वही है मोर देन 50 ईयर साथ ही साथ ये सारे जो है मैलिग्नेंट के अंडर में आते हैं तो मैंने सब में मैलिग्नेंट मैंशन कर रखा हुआ है सेम जगह पर यह भी होता है डेट इज इनर लेयर ऑफ द ब्लैडर लेकिन इनर लेयर में दोनों लेटर साइड में स्क्वामे सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है अगर साइड में हुआ है तो आप बोलोगे सेल कार्सिनोमा इसका भी प्रोग्रेस जो है वो या कह सकते हैं प्रोग्नोसिस जो है वो ट्रीटेबल है नेक्स्ट है सार्कोमा सार्कोमा हमारा मेनली आपके ब्लैडर के मस्कुलर लेयर में होता है या मस्कुलर लेयर में मैंने आपको बताया था कि ब्लड सप्लाई होती है तो ब्लड सप्लाई में हो सकता है या आउटर लेयर में हो सकता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके कनेक्टिव से मिलके बनी है तो लोकेशन क्या हो गई आपकी कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ दी मसल सेल टिश्यूज नर्व सेल ब्लड वेसल्स ये सारी चीजों में कैंसर हो सकता है जिसे हम लोग सार्कोमा बोलते हैं सार्कोमा को आप सॉफ्ट टिश्यू कैंसर भी बोल सकते हो क्यों क्योंकि आपके ये जो मस्कुलर लेयर है या आपके ब्लड वेसल्स हैं वो आपके सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बनते हैं नेक्स्ट है एडिनोकार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा मीन्स होता है कि वो सेल्स एडिनल सेल्स जो कि आपके ग्लैंड बनाते हैं ठीक है वो सेल्स जो आपके ग्लैंड्स बनाते हैं जैसे कि म्यूकस ग्लैंड हो गई क्योंकि म्यूकस ग्लैंड क्या करती है कि आपके ऑर्गेन्स को नरिश करके रखती है ठीक तो ऐसे ग्लैंड के अंदर अगर कैंसर हो गया मान लीजिए ब्लैडर कैंसर आपके ग्लैंडुलर सेल में हुआ तो हम उसे बोलेंगे एडिनो कार्सिनोमा बहुत कम देखने को मिलता है डेट इज वन परसेंट ओनली एज सेम है वही मोर देन फिफ्टी से सेवेंटी ईयर मैलेग्नेंट कैंसर है ग्लैंड के सेल्स में देखने को मिल रहा है और इसकी जो प्रोग्नोसिस है है ना जो इसका कह सकते हैं रिजल्ट है वो बहुत पुअर है क्यों क्योंकि सिंपली क्या होता है कि ग्लैंडुलर सेल्स में अगर ये कैंसर फैल गया तो ये आस पास फैलने के लिए बहुत इजी इजीली अवेलेबल होता है नेक्स्ट है आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा स्मॉल सेल कार्सिनोमा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपके नर्व सेल में देखने को मिलता है नर्व सेल की मैं इमेज आपको दिखा देती हूँ यहां पे देख लो ये आपके नर्व सेल हैं यानी कि मैं यहां पे न्यूरॉन्स की बात कर रही हूं न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम करते हैं ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गन तक पहुंचाते हैं और ऑर्गन की जितनी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं ये सारा काम आपके नर्व सेल करते हैं तो नर्व सेल कहीं पर भी इधर उधर लिंक ना करके डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं आप देख सकते हो यूरिनरी ब्लैडर और आपके स्पाइनल कॉर्ड से ठीक जब इनके अंदर कैंसर हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये भी बहुत कम अनकॉमन है वन परसेंट देखने को मिलता है आपका जो एज फैक्टर है वो सेम है मैलिग्नेंट है नर्व सेल में देखने को मिल रहा है और इसका प्रोग्नोसिस वेरी पुअर है क्यों क्योंकि नर्व सेल एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो दोबारा से दूसरे नर्व सेल के थ्रू जनरेट नहीं होते इस वजह से अगर नर्व सेल में कैंसर हो गए तो आपके मेंटल स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेजेस तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू दी टोटल फोर स्टेजेस अगर हम जीरो स्टेज को मिला दें तो टोटल फाइव हो गए जीरो वन टू थ्री एंड फोर जीरो स्टेज क्या बोलती है कि सबसे बेसिक सबसे स्मॉल कैंसर अभी स्टार्ट हुआ है जो कि आपके इनर लेयर के अंदर है डेट इज लेयर के अंदर है वो आ गया आपका आ गया जीरो स्टेज स्टेज वन क्या है कि कैंसर जो है यूरोम के साथ साथ अब नेक्स्ट लेयर में पहुंच गया नेक्स्ट लेयर मैंने आपको दिखाई थी वो है आपकी लेमिना लेप्रिया यानी कि फर्स्ट ये वाली स्टेज देख लो इसमें क्या हो गया आपके इनर लेयर और आपके सेकेंड लेयर लेमिना प्रोप्रिया दोनों ही अफेक्टेड है थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि कैंसर आपके मसल लेयर तक पहुंच रहा है सो ऑब्वियस ये बात है कि थर्ड स्टेज में अगर कैंसर आपके सॉरी सेकेंड स्टेज में कैंसर आपके मस्कुलर लेयर तक पहुंच गया तो वो नेक्स्ट स्टेज में ब्लड सप्लाई को भी कवर कर लेगा तो नेक्स्ट स्टेज आपकी है ये स्टेज थ्री इसमें क्या हो रहा है कि अभी क्या हुआ कि सबसे लास्ट वाली जो लेयर थी पेरी वाली लेयर पेरिटोनियम लेयर वहां पर भी क्या हो गया कैंसर सेल्स चले गए अब सिंपल सी चीज है पेरिटोनियम लेयर और आपकी मस्कुलर लेयर दोनों के पास रिच ब्लड सप्लाई होती है अगर पेरिटोनियम लेयर में पहुंच गया है तो अब आपकी ब्लड सप्लाई में भी पहुंच जाएगा और ब्लड सप्लाई आपकी पूरी बॉडी में होती है तो कैंसर सेल्स अगर एक बार ब्लड सप्लाई में चले गए इट विल गोज इन एनी ऑर्गेन विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड सर्कुलेशन ओके नेक्स्ट आ जाते हैं टीएनएम क्लासीफिकेशन टीएनएम क्लासिफिकेशन बताता है कि ट्यूमर नोड्स एंड मेटास्टेसिस टी फॉर ट्यूमर ट्यूमर जो है वो कहां तक फैला लिंफ नोड तक गया कि नहीं गया और फिर वो पूरी बॉडी में फैला कि नहीं फैला ये आपका टीएनएम क्लासिफिकेशन बताता है टी आई एस डेट इज ट्यूमर इन सीटो ट्यूमर इन सीटो का मीन होता है कि ट्यूमर अभी एक ही एरिया में सिचुएटेड है अगर वो फर्स्ट लेयर में है तो वो फर्स्ट लेयर में ही सिचुएटेड है सेकेंड लेयर में या दूसरे एरिया में नहीं फैला अपनी जगह पे स्थित है ठीक टी ए का मतलब क्या हुआ नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है मतलब ट्यूमर देखने को तो मिल रहा है लेकिन अभी वो नॉन इन्वेसिव है यानी कि वो मेटास्टेसिस नहीं हुआ T1 क्या है ट्यूमर अब कहा चला गया डीप लेयर में चला गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में T1 T1 जो है वो पेपिलरी लेयर में यानी कि सेकेंड लेना प्रोप्रिया में चला गया टी ट्यूमर अब मस्कुलर लेयर में चला गया टी टू का ए ट्यूमर अब सुपरफिशियल मस्कुलर लेयर अब मान लो आपकी ये वाली मस्कुलर लेयर हो गई मान लो यहां पे ये वाली 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 ये वाली आपकी मस्कुलर लेयर हो गई ये वाली ये आपकी मस्कुलर लेयर है अब मस्कुलर लेयर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला इसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल मस्कुलर लेयर और अगर पूरी मस्कुलर लेयर कवर हो गई विद द हेल्प ऑफ कैंसर सेल्स तो हम उसे बोलेंगे डीप मस्कुलर लेयर तो आपको समझ में आ गया टी टू का ए एंड टी टू का बी टी टू का ए मीन्स मस्कुलर लेयर को केवल टच किया कैंसर सेल्स ने टी टू का बी मस्कुलर लेयर को पूरा कवर कर लिया कैंसर सेल्स में देन टी थ्री मीन्स अभी जो है वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर आपका कैंसर चला गया पेरीवेस्कुलर मीन्स पेरी मीन्स होता है अवे वेस्कुलर मीन होता है ब्लड वेसल यानी कि ब्लड वेसल्स के पास आपका कैंसर जा चुका है अब टी थ्री का ए क्या बताता है माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है यानी कि बहुत छोटा व्यू दिख रहा है इसका मतलब कि जो कैंसर है उसने सिर्फ आपके ब्लड वेसल के वॉल्स को टच किया है टी थ्री का बी मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ा हो गया कैंसर सेल यानी कि इसका मीन्स क्या होगा कि वो अब आपके ब्लड सप्लाई के अंदर घुस चुका है चला गया है T4 फोर होता है कि अब जो ट्यूमर था वो आपके पेरीवेर ऑर्गेन में चला गया पहले तो पेरी वेस्कुलर ब्लड वेसल में गया था अब जब वो ब्लड वेसल में अपनी डिवीजन कर चुका है अपने आप को कह सकते हैं फैला चुका है तो वो आस पास के ऑर्गन में भी जा सकता है तो T4 फोर होता है कि आसपास के ऑर्गन में भी चला गया T4 का ए मीन कार्सिनोमा अभी आपके कौन कौन से ऑर्गन में गया प्रोस्टेट ग्लैंड में गया यूट्रस में गया वजाइना में गया प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स के अंदर एक ग्लैंड होती है यहां पे आपको दिखा देती हूँ ये देख लो ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के यूरेटर्स यूरेथ्रा के पास होता है जब यूरिन को बाहर नहीं निकालना होता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड टाइट हो जाता है और ये वाला एरिया क्लोज हो जाता है जब यूरिन को बाहर निकालना होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक स्पेस देने का काम करता है जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेल्स के अंदर स्पर्म के बाहर निकलने के और यूरिन के बाहर निकलने के दोनों का सेम पाथवे है तो जब स्पर्म का बाहर निकलने का टाइम होता है तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आपके यूरना ब्लैडर को इसके यूरेथ्रा को इस तरह से टाइट कर लेता है कंप्रेस कर देता है और आपका यूरिन बाहर नहीं आता सिर्फ स्पर्म बाहर आते हैं उसी तरह से जब यूरिन को बाहर आना होता है तो स्पर्म बाहर क्यों नहीं आते क्योंकि आपका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरिन के पाथवे को ओपन करके रखता है इस तरह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है तो T4 का जो मैं आपको बता रही थी तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जब कैंसर आ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये T4 का ए स्टेज है साथ ही साथ फीमेल्स के अंदर यूट्रस जिसको हम हिंदी में बच्चे दाने भी बोलते हैं वहां पर कैंसर अगर चला जाए तो हम उसे बोलेंगे कि कैंसर फैल गया है बच्चे दाने के अंदर साथ ही साथ वजाइना के अंदर टी का बी क्या बोलता है कि अभी कैंसर पूरे पैल्विक एरिया में फैल गया यानी कि कमर के सारे एरिया में फैल गया साथ ही साथ एबडोमिन में भी चला गया इसके बाद आ जाता है एन एन मीन्स होता है नोड्स नोड्स कौन होते हैं लिम्फ नोड लिम्फ नोड आपके पूरी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये सारे आपके लिम्फ नोड है इसी तरह से पूरी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं इनका मेन काम क्या है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके रखते हैं डब्लू को रिलीज कराते हैं जब अंदर इंफेक्शन हो जाता है तो अभी क्या हुआ कि ब्लैडर के आसपास के जो जितने भी ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर थे इनके अंदर भी कैंसर चला गया ठीक एंड जीरो मीन्स होता है कि अभी लिम्फ नोड के अंदर कैंसर नहीं गया है एंड वन मीन्स होता है कि तीन से चार लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए हैं कैंसर सेल्स से और मैंने आपको जैसे बता दिया कि लिम्फ नोड के अंदर अगर कैंसर फैल जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा क्यों क्योंकि लिम्फ नोड आपका इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है नेक्स्ट है एम एम फॉर होता है मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस मीन्स होता है फैल जाना तो एम जीरो मीन्स होता है कि अभी पूरी बॉडी में कैंसर नहीं फैला एम वन मीन्स है कि पूरी बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो चुका है नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजिस तो कॉजेज में देख लो सिस्टाइटिस सिस्टाइटिस मींस होता है यहां पे देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर तो बार बार इंफेक्शन होने की वजह से क्या होगा इसका रीजन मैं आपको बता देती हूं कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है तो पहली चीज तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ टीपी फिफ्टी थ्री के डी एम सिक्स ए एफ जी एफ आर थ्री नाम के जीन्स होते हैं ये जीन क्या करते हैं आपको कैंसर सेल्स से बचाने का काम करते हैं इनमें से कुछ जीन कैंसर सेल्स को बढ़ने ही नहीं देंगे और कुछ जीन अगर कैंसर सेल्स बन गए तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी ये तीनों जीन ये चार जो भी जितने भी जीन मैंने आपको बताए ये सारे जीन क्या होते हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं इन जीन्स में डिफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे इसीलिए सस्टाइटिस की वजह से क्या हो सकता है एबनॉर्मल चेंजेस इन टू जीन हो सकता है और बाद में ये जीन डिसफंक्शनल हो जाएंगे और आपको कैंसर हो जाएगा सारी चीजों में यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जितने भी इन्फेक्शन वाली चीजें हैं जैसे कि यूरेथ्राइटिस यूरेथ्राइटिस मींस होता है कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा यूरेथ्रा कौन सा एरिया है जहां से यूरिन पास होता है मतलब आपका यूरिन ब्लैडर के पास एक कॉमन पाइप होता है इस पाइप को हम ये वाले पाइप को हम यूरेथ्रा बोलते हैं और इसी यूरेथ्रा से यूरिन बाहर बॉडी के निकलता है अगर इसके अंदर में इंफेक्शन हो जाएगा तो सेम प्रॉब्लम आएगी जो कि सिस्टाइटिस में आ रही थी इसके अलावा रिकरेंट इंफेक्शन सेम चीज बार बार इन्फेक्शन होगा तो आपके अंदर एबनॉर्मल जीन चेंजेस हो जाएंगे फैमिली हिस्ट्री प्रीवियसली आपकी फैमिली में किसी को था यानी कि आपके अंदर भी सेम जीन आए हैं इट्स मीन कि जो जीन आपके एंसेस्टर्स के अंदर कैंसर को नहीं रोक पाए वही सेम जीन आपके अंदर आए हैं तो आपको भी चांसेस हैं कि वो जीन नहीं रोक पाएंगे आपके अंदर का कैंसर नेक्स्ट है आपका मीनोपोज मीनो पॉस होता है जब मेन्स्ट्रेशन साइकिल स्टॉप हो जाए दैट इज आफ्टर फिफ्टी फोर्टी फाइव से फिफ्टी या फिफ्टी के बाद जो है बहुत सारे लोगों की मीनोपोस यानी कि मेनेशन साइकिल स्टॉप हो जाती है इस टाइम पे जो आपका ईस्ट्रोजेन हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखता है ईस्ट्रोजेन हार्मोन डिक्रीज होने लगता है तो जब ईस्ट्रोजेन हार्मोन डिक्रीज होने लगेगा और उसका काम क्या था सेल्स को हेल्दी रखना तो आपके सेल्स अनहेल्दी हो जाएंगे और कोई भी इंफेक्शन आपके सेल्स के अंदर चेंजेस ला सकता है नेक्स्ट आ गया मल्टीपल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है और वो डिजीज इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि वो आपके अंदर एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस कर सकती है जिसकी वजह से आपके जीन डिफेक्ट हो सकते हैं नेक्स्ट है किडनी स्टोन अगर मान लीजिए किडनी में कोई स्टोन हो गया और वहां पे उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया तो यूरिन आपका पास नहीं हो पाएगा और यूरिन आपका वेस्ट मटेरियल है उसके पास सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करेंगे आपके सेल्स को इंजर्ट कर देंगे और आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे म्यूटेशन सेल्फ म्यूटेशन यानी कि अपने आप ही सेलुलर चेंजेस एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं किसी वजह से जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो गए सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम मान लीजिए आप किसी बीमारी से लंबी बीमारी से उठे हो या आप डायबिटिक हो या आपको एच एड्स हो गया है तो ये सारी चीजों में आपका इम्यून सिस्टम एकदम डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का कैंसर बार बार लग सकता है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसका फुल फॉर्म है सेम चीज यू टी आई में भी है कि बार बार इन्फेक्शन होने से रिकरेंट इन्फेक्शन होने से यूटीआई होने से आपका सेलुलर एबनॉर्मल चेंजेस हो सकता है सेकेंडरी ट्यूमर सेकेंडरी ट्यूमर मीन्स होता है डायरेक्ट ट्यूमर यूरिनरी ब्लैडर में ना होकर आस के आसपास के एरिया में हुआ जैसे कि किडनी ट्यूमर हुआ किडनी ट्यूमर जो है उसके सेल्स आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ गए है ना इस तरह से दूसरे ट्यूमर दूसरी जगह पे ट्यूमर हुआ और आपके यूरिनरी सेल्स में आ सकता है नेक्स्ट है आपका एज फैक्टर तो मैंने आपको एज का फंडा बता दिया कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से कोई भी इंफेक्शन इजिली आपको लग सकता है मेल के पास ज्यादा रिस्क होते हैं ये भी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफेक्शन की वजह से म्यूटेशन हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से जीन चेंजेस हो जाएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी देखो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आपके मेन जीन जो कि आपके एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को रोकने का, का काम करते थे उनके अंदर म्यूटेशन यानी कि वहां पे एबनॉर्मल चेंजेस हो गए जब आपके जीन काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी अब बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से आपके सेल्स जो है वो डैमेज हो गए जब डैमेज हो जाते हैं आपके सेल्स तो उनकी जगह पे नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल्स रिप्लेस होने में अगर कोई प्रॉब्लम आई फॉर एग्जाम्पल नए सेल्स जब आना शुरू करते हैं मान लो मान लीजिए इतने एरिया में इन्फेक्शन हुआ इतने एरिया में नए सेल्स आने का लाइक like, नीड uh, है अब यहां तक इंजर्ड एरिया को फुल करने के बाद सेल्स अपने आप ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोक देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन जब सेल्स अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन कॉन्टैक्ट मीन्स होता है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रखना इनिबिशन मीन्स होता है रोकना तो एक सेल जब बनता है तो वो दूसरे सेल को बनाता है दूसरा तीसरे को बनाता है तीसरा चौथे को बनाता है इसको होता है इसका मतलब होता है कांटेक्ट करना जब कांटेक्ट इन लोग का टूट जाता है रुक जाता है तो उस प्रोसेस को हम कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है जब आपके इंजरी साइट में सारे नेसेल आ जाते हैं और कोई और नेसेल की नीड नहीं होती है तब आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस एक्टिवेट होता है और आपके नेसल बनना रुक जाते हैं जब आपके सेल्स में म्यूटेशन आ जाएगा एबनॉर्मल आ जाएंगे, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दल्स होती रहेगी नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी बोलती है कि ड्यू टू दटियोलॉजिकल यानी कि ईटियोलॉजी जितनी भी अभी हमने कॉजेस पढ़े हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है सेल्युलर चेंजेस हो रहे हैं सेल्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो सेल्स चेंजेस में कन्वर्ट हो गए जिसको हम लोगों ने म्यूटेशन बोल दिया म्यूटेशन होने के बाद क्या हुआ कि कि जो जो आपके जो कि आपके जीन थे नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को रोकना चाह रहे थे वो सारे जीन अफेक्ट हो गए अफेक्ट होने के बाद अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचा एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स स्टार्ट हो गई और साइन एंड सिम्टम्स आने लगे सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी दो लिखवाई है चाहे आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो चाहे दोनों याद कर लो सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है कि इडियोलॉजी की वजह से क्या हुआ जो आपके इनर म्यूकोसा है यानी कि इनर लेयर है यूरोल लेयर की बात चल रही है यहाँ पे उसको क्या हो गया अफेक्ट हो गई अफेक्ट होने की वजह से उसके सेल्स में एबनॉर्मल चेंजेस आ गए जिसकी वजह से यूरोल डिस्प्लेसिया हो गया यानी कि आपके यूरोम में एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई हाई ग्रेड ट्यूमर यानी कि ट्यूमर डेवलप हो गया और वो ट्यूमर रुक नहीं पाया और मेटास्टेसिस यानी कि फैल गया तो ये था हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन टाइप्स स्टेजेस टीएनएम क्लासिफिकेशन कॉसेस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे